How are you? I'm good. What's your name? प्रिया. प्रिया, हमें अपने बारे में कुछ बताओ. मेरा नाम प्रिया सिंह है. मैं सोलन हिमाचल प्रदेश से हूँ. मैं एक फार्माकोविजिलेंस एनालिस्ट हूँ और मैं एक लाइफस्टाइल फिटनेस एथलीट हूँ. इंस्टाग्रामर हूँ. लोगों को मोटिवेट करती हूँ फिटनेस के लिए. कितने फॉलोअर्स आपके? 50,000 प्लस. You said you'd sing while doing push-ups, deadlifts, squats, biceps curl, crunches, and will charm with a smiley face. हम charm होना चाहते हैं. We will make it easy for you. Just charm us. Okay. मेरा life का सबसे बड़ा crush यहाँ बैठा है. Nikhil sir, you are my first crush in my life. तो मैं आपके लिए गाना गाना चाहती हूँ. चलो आप निखिल भाई के लिए गा दो. मैं तेनु समझावा कि ना तेरे वजू लगदा जी तू की जाने प्यार मेरा मैं करा इंतजार तेरा तू दिल तू यू चार मेरी. You have a boyfriend. What do you do? I don't have a boyfriend. It's like मैं बहुत ज़्यादा career oriented हूँ. Workaholic हूँ. IT profession में हूँ तो 9 to 5 job रहता है Monday to Friday. और Saturday को? I have my son only on Saturdays. ये एक peculiar चीज़ है जब आप किसी से सुनते हो कि यार आज वेजिटेरियन है. आज मैं सिर्फ कर्ड राइस खाऊंगी. आज सैटरडे तो आ जा. ये जब आप बोलते हो तो ऑड साउंड करता है. लेकिन व्हेन यू एक्सप्लेन कि मैं एक्चुअली बिजी हूँ, मैं फ्री सैटरडे को होती हूँ. Actually, it's a very strange. अभी मैंने जीडी में भी बात बोली थी एंड उसके बाद 3 लड़कियां मेरे पास आई. उन्होंने मुझे कहा कि यू आर गुड बट डोंट शेयर योर पर्सनल लाइफ. व्हाई कांट अ गर्ल स्पीक अबाउट सेक्स? अ टैबू. हर एक बंदे की, लड़का हो लड़की, उसकी चॉइस है. व्हेन, हु, विद हुम, व्हाई, हाउएवर, राइट? बिल्कुल. दैट इज व्हाई प्रिया यू आर हियर. वो यहां पे नहीं है. Because we understand that. And I'm saying that on national television because मेरे parents को नहीं पता. Nobody shares sex life अपने parents के साथ. But अगर उनको पता भी लगेगा तो they will be happy that मैं इतनी brave हूँ कि मैं इस बारे में भी बात कर सकती हूँ आगे जाके. They will be happy about that क्योंकि मैं small town से हूँ. They'll be happy कि आप life में खुश हैं, frustrated नहीं हैं, एक healthy lifestyle जी रही हैं. That's it. You're not in a bad marriage. हमारे देश में लोगों को यही समझ आता है कि हाँ लड़कों लड़कियों की शादी कर दो और वो एक बैड मैरिज में हो तो भी खुश होंगे कि हमारे बच्चे मिजरेबल हैं. या दिल भी हैप्पी. बट अगर सिंगल हैं और खुश हैं वो उनको कतराता है. वो गलत है. एग्जैक्टली. चलो आपकी फैमिली के बारे में बात करते हैं. अपने ब्रदर के बारे में बताओ. ही वाज गोइंग टू हिज कॉलेज एंड मुझे मेरे डैड का कॉल आया था. मैं कॉलेज में थी कि मेरे भाई का नाम मित्तू था कि उसका एक्सीडेंट हुआ है. ही माइट बी इन एमरजेंसी. तो मैं भाग के गई क्योंकि मुझे मेरे पेरेंट्स सोचते हैं कि आई एम अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, मैं हैंडल कर लूँगी बाकी तीनों सिस्टर्स में. मैं भाग के हॉस्पिटल गई थिंकिंग कि माई ब्रदर वुड बी, वो मेरा भाई शायद एमरजेंसी में होगा और वो डरा होगा क्योंकि उसका एक्सीडेंट हुआ है और वो बिना बताए कहीं और जा रहा था तो पापा से डरा होगा. कॉलेज के बाहर ही पुलिस स्टेशन था. वहाँ पे एक एम्बुलेंस पुलिस वैन थी तो मैं वहाँ गई एंड आई सॉ. पुलिस ने मुझे मना किया कि आप देख नहीं पाओगे. मैं उस वक्त भी इमेजिन करी थी शायद वो पुलिस वैन में बैठा है और वो डर रहा है कि पापा क्या बोलेंगे.
बट जब मैं गई तो मुझे सिर्फ इतनी स्किन दिखी, बाकी चेहरा नहीं था। एंड मैंने कहा या ही इज माई ब्रदर। बिकॉज मेरे को रातों को डर लगता था तो मैं उसे बुलाती थी कि प्लीज सो जा मेरे साथ, वो हाथ पकड़ के सोता था। जो मिल के रात जागते थे नैना, शहर में पल के मींचते हैं। मैं उस वक्त हटी वहां से जैसे ही, एंड मुझे ये नहीं लगा कि आई लॉस्ट माई ब्रदर। मुझे एकदम से मेरे को आया कि माई पेरेंट्स वो कहाँ है। उसके बाद नेक्स्ट मोमेंट जब मैंने देखा, मेरे पापा सड़क पे बैठ के रो रहे थे। इतना मैंने कभी उनको रोते हुए नहीं देखा। एंड मुझे उस टाइम के बाद लगा जैसे मेरे पेरेंट्स मेरे बच्चे हैं। मेरी लाइफ में कुछ भी उसके बाद हुआ है ना, मैंने उनसे शेयर नहीं किया है कोई भी इंसिडेंट, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसी न्यूज मेरे भाई की उनको मिली है वो छोटी सी छोटी चीज भी नहीं सुन पाएंगे। उसके बाद उन्होंने काम करना मोस्टली कम ही कर दिया और वो अल्कोहलिज्म में चले गए। एंड आई हैव टू स्माइल एवरी टाइम सो दैट कोई मुझे देखे तो ये ना सोचे कि यू नो she is a victim or she is weak and everything. Sometimes the eldest daughter of a family jisne puri responsibility le li hai emotional support ki needs a big hug, which you'll get today from all of us. Come, we'll give her a big hug because you deserve it. Sir, mujhse elder dekhe hai, I'm speech mein. Thank you. You're very strong. We'll call your dad. मैं अपनी जब कहानी सुनाता ना लोगों को कि जब मैं स्ट्रेचर पर पड़ा था, दो घंटे मैं स्टेशन पर पड़ा रहा हूँ और मेरे को किसी ने पानी तक नहीं पिलाया, तब भी मुझे रोना और तब भी मुझे फीलिंग नहीं आती, लेकिन आपकी जो कहानी सुन रहा था तो आई फील इट। थैंक यू सर। बी स्ट्रॉन्ग। Yeah, you have 30 seconds to show us how strong you are. Go. Go, 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 go! Sense of urgency, come on. Chalo, chalo, chalo. Are you sure? भैया वहां से हाथों बल आगे बढ़ो। हाथों से मंकी आ गया। वापस पीछे भी जाना है। टर्न अराउंड। इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। आई हैव टू ब्रेक योर फॉल। बिना पैर लगाए बैकवर्ड्स नहीं, मतलब वहीं से बिना पैर लगाए पीछे आना। आगे से पैर लगाना, ऐसी मुड़ो, ऐसी ऐसी टर्न लो, ऐसी टर्न लो। या यस, चलो वन मोर राउंड। अब यहां पर खड़े रहो और आप बोलो कि आपको रोडीज में क्यों आना चाहिए। क्योंकि मेंटली और फिजिकली बहुत स्ट्रांग हूँ, लाइफ में बहुत कुछ देखा है, इसलिए मैं स्टैंड लेती हूँ। Gang leaders, you have 10 seconds to decide कि क्या आप प्रिया को आगे कलिंग राउंड तक भेजना चाहते हैं। Your time starts now. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. You needed 4.
हाई फाइव जल्दी 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 I'll see you at the Culling Round.